जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि माननीय अध्यक्ष महोदय का आगमन फिर से एक बार सिवान की धरती पर हुआ। सिवान पहुंचकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिवान का भ्रमण किया और बहुत सारे गांवों में उनके स्वागत के कार्यक्रम भी किए गए थे और प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जगहों पर कार्यक्रम किए गए हैं। बात करें तो चेनूर भरथुई बाजार, पिठौरी बाजार, पचलखी बाजार, सरावे हथलुई इत्यादि जगहों पर इनके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। और बात करें तो सारे जगहों पर इनके स्वागत के लिए चर्चित समाजसेवी मुन्ना चौधरी और आरजेडी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सिवान सदर के परवेज आलम, वो भी उनके साथ दिखाई दिए और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया सारे जगहों पर। बता दें माननीय अध्यक्ष जी वहां पर जाकर लोगों को संबोधित किए और लोगों को उन्होंने शुभकामना भी दिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के बदौलत वो विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद आज वो विधानसभा के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सिवान की जनता अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रही है। तो देखिए आप जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं वो माननीय अध्यक्ष जी का है जो सिवान की धरती पर आए हुए हैं। मैं विधानसभा का संचालन कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों से चाहता हूँ, विकास तो होंगे ही, लेकिन आपके रहेंगे और पूरा विकास से संबंधित हर कार्यों में मैं काम आऊंगा। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप शांति सद्भावना भाईचारा आपसी प्रेम मोहब्बत को मजबूत कीजिएगा। जहाँ शांति रहती है वहीं विकास होता है। हमको जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा और वो विधानसभा के अध्यक्ष कुर्सी पर रख करके भी बिहार के विकास, जिसमें सिवान भी है, प्राथमिकता में आता है। चलो ठीक है,